हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कीड़ा में। फ्रेंड, जो मैंने पेपर अपलोड किया था वो सेट वन ही था, लेकिन कोड जो था वो 3011 था। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि ये सेट वन नहीं है, सेट वन नहीं है, लेकिन आपका जो कोड जो है वो अलग अलग होगा। हमारे जहाँ जिस रीजन पर मैं रहता हूँ वहाँ पर सेट वन का जो कोड आया है वो आया 3011 आया हुआ है, ठीक है। और जो आप लोगों का जो पेपर है वो 3021 और बहुत ज़्यादा रीजन में 3041, 3051, तो डिपेंड करता है कोड के अलग अलग। लेकिन जो पेपर जो है वो सेट वन ही था, ठीक है। वो अलग बात है कि आपका पेपर अलग था। और हाँ, उस वीडियो में दो तीन जगह मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि वीडियो जो है वो रात को बनी थी, तो एक आध जगह छोटे छोटे मिस्टेक हो गई थी। और आप सबके डिमांड पे ये 3021 सेट वन पेपर जो है अब वो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन वन जो है 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एच सी एफ इज 3:3, अगर 3:3:6 और 54 का एच सी एफ जो है 6 है और इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसमें एच सी एफ दे रखा है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। चैप्टर में फर्स्ट से क्वेश्चन आया था, वैसे क्वेश्चन ईजी है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। तो देख सकते हैं एच सी एफ जो है 3:3:6 और 54 का दे रखा है 6, ठीक है। और एलसीएम निकालना है 3:3:6 कॉमा 54 का, हमें एलसीएम निकालना है। हमें एक चीज़ पता होगा, आपने चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा है, अगर एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब किसी का एच सी एफ और उसी दो नंबर का एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। तो एच सी एफ दे रखा था 6, एलसीएम नहीं हो गया इज इक्वल 3:3:6 मल्टीप्लाई 54, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 3:3:6 इंटू 54 अपॉन 6, ठीक है। तो एलसीएम डिवाइड करने पर 3024 जो है इसका एलसीएम आएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 देख सकते हैं हमारे पास, ये जो है चैप्टर 4 से आया क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 4x + 3, इसका नेचर बताना है, ठीक है। तो इस नेचर जो होता है एक्चुअली डिपेंड करता है डी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरह से करना था आप लोगों को एग्जाम में। नेचर 2x² - 4x + 3 = 0, नेचर डिपेंड करता है डी के ऊपर। तो डी होता है b² - 4ac। बी कितना हमारे यहाँ पर, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट जो कि -4 है। तो -4² - 4, ए कितना हमारे पास 2, सी कितना है 3। तो -4² = 16 हो गया, -4 × 12, 12 × 24, 16 में से 24 गया, माइनस का 8 आया। -8 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है। अगर 0 से छोटी डी की वैल्यू आती है तो कोई रियल रूट्स नहीं होते, तो नो रियल रूट जो है इसका क्या था, नेचर था इस आंसर का। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए पी दे रखी थी हमें 1/a, 3 - a, 3a, 3 - 2a, 3a, ठीक है। वेर a डज नॉट इक्वल टू 0, हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। ये चैप्टर 5 एपी से क्वेश्चन पूछा गया था। डी के कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करना है तो डी निकल के आता है, ठीक है। तो देखते हैं माइनस करने का डी कितना आ रहा था। तो 1/a 3 - a / 3a कॉमा 3 - 2 / 3a, ये ए पी है हमारे पास। डी मैंने बताया था आपको, दिस माइनस दिस होता है, मतलब 3 - a / 3a, माइनस में 1/a, एलसीएम आएगा 3a, 3 - a सेम रहेगा, यहाँ पर जाएगा 3, 3 में से 3 कैंसिल हो गया, a से a खत्म हो गया, तो -1/3 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो डी के लिए कितनी आई है, -1/3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। sin² 60° + 2 tan 45° - cos 30°। बस हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की यहाँ वैल्यू पुट करनी थी और इसका आंसर बड़े प्यार से आना था। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर किस तरह से करना था आपको एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, sin² 60° + 2 tan² 45 - cos² 30 था। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो sin² का मतलब √3/2² प्लस में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1² हो गया। cos 30 होता है √3/2², ये प्लस में √3/2², ये माइनस में पूरा कट गया, 1² 1 होता है, 2 × 1 कितना 2। तो क्वेश्चन 4 का आंसर कितना आना था, 2 आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस पर है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। मतलब ए कोई बिंदु है -2, 0, बी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0, 6, 0 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कह रहा है एक पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स बताने क्या होंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर बताना है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मांगने, निर्देशांक मानने पड़ेंगे, तो एक्स मानूंगा लेकिन वाई क्या होगा, 0, क्योंकि एक्स पे पड़ रहा है। और दो पॉइंट ये दे रखे आपको ए और ये दे रखा है बी, और इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी करना था आपको। तो एक बार चेक कर लेते हैं सोल्यूशन किस तरह से लिखना था इसका।
तो ये ए पॉइंट है और ये एक्स एक्स के ऊपर पॉइंट मान लिया, एक्स कोमा जीरो हो गया ठीक है, और दो पॉइंट ले लिया हमने ए, ये है माइनस टू कोमा जीरो, बी दे रखा सिक्स कोमा जीरो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी सी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी का मतलब क्या है, ए सी के बीच डिस्टेंस जो कि होता है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो एक्स टू एक्स है माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, ऐसे यहाँ पर एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो इसे ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर ठीक है। तो फोर एक्स ये जाएगा प्लस का ट्वेल्व इज इक्वल टू 36 माइनस में, तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू 32 और x की जाएगी 32 अपॉन 16 जो कि x इक्वल टू आ जाएगा 2 ठीक है। तो x अगर 2 आ गया तो पॉइंट क्या मारा था हमने, x कॉमा जीरो, तो वैल्यू क्या जाएगी 2 कॉमा जीरो। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना था, पॉइंट निकल के आएगा 2 कॉमा जीरो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है, इन फिगर ए बी सी, ए बी सी फिगर पे ए बी सी जो है आइसोसेलस ट्रायंगल है, मतलब इसकी दो साइड इक्वल होती है। तो दो साइड इक्वल कौन सी होंगी, ये दो साइड इक्वल होंगी क्योंकि ये तो इक्वल हो नहीं सकती, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ये ठीक है। तो कह रहा है ए सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए बी की लेंथ निकालनी है। एक बात, तो अगर इसके ये 4 सेंटीमीटर है आइसोसेलस है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर 9 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस लगाएंगे इस ए बी सी में तो हमें ए बी की निकल जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो ए सी और ये बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ठीक है। ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना होगा 32। तो ए बी कितना निकल गया है 4√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना निकल गया है 4√2 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 का है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए सेक्शन बी है, आप जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स नंबर है एक क्वेश्चन पे, 7 क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 और 657। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर ऐसा बताना है जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है। तो इन दो नंबर का एलसीएम निकालना था, तो चेक करते हैं कौन सा वो नंबर था जो दोनों को डिवाइड कर देगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 जो है 306 और 657 है ठीक है। इनका एलसीएम लिया मैंने और ये एलसीएम आएगा 3 × 3 2 17 73 2 2 3 2 2 2 3 3 8। ये नंबर जो है वो नंबर है जो कि सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो आज से याद करना, ऐसे क्वेश्चन नंबर से कह लेते हैं एलसीएम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। देखो जब भी कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर होता है ना उसका मतलब ये होता है उसका एरिया कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं ये दो 3 पॉइंट्स का अगर एरिया निकालूंगा तो इक्वल टू में कितना आएगा, 0 आएगा। तो वहां से इसका रिलेशन बड़े प्यार से निकल जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो ए दे रखा था एक्स कोमा वाई, बी दे रखा था माइनस 4.6, सी दे रखा था माइनस 2.3। एरिया ये पॉइंट्स कैसे कॉलिनियर है तो एरिया क्या होगा, ए बी सी का 0 होगा। तो एरिया क्या होता है 1/2 x1 जो कि x है, फिर होता है वाई टू माइनस वाई थ्री 6 − 3, फिर माइनस में होता है फिर प्लस में होता है x2 जो कि −4 है, फिर होता है y3 − y1। ऐसे करके हमें एरिया इक्वल टू 0 आ जाएगा ठीक है। इसे सॉल्व करने पर एरिया की जो वैल्यू इक्वल टू 0 ये निकल गया 3x + 2y = 0। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो 3x + 2y = 0 क्या है, रिलेशन निकल के आई है एक्स और वाई में ठीक है। तो रिलेशन निकालनी थी तो इसका कॉलिनियर होने के बावजूद कॉलिनियर होने से इसका एरिया क्या था, 0 था। तो हमने बड़े प्यार से इसका रिलेशन निकाल लिया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल ठीक है, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 ब्लू मार्बल फ्रॉम जार और कैनन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 1/5, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल दे रखा है 1/4 ठीक है। और कौन कौन से मार्बल है, ब्लू मार्बल है, ब्लैक मार्बल और ग्रीन मार्बल है। और कह रहा है इफ द जार कंटेन 11 ग्रीन मार्बल्स तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार ठीक है। तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं, 1/5 प्रोबेबिलिटी है ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मार्बल कितना है, 1/4, और हमें पता है तीनों प्रोबेबिलिटी। अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी होगी, तो तीनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर किसी भी चीज़ की किसी भी सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर कितना आता है, हमेशा 1 निकल के आता है ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, तो ब्लू कितना रखा था प्रोबेबिलिटी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना रखा था 1/4, और नंबर ऑफ ग्रीन्स कितने 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1/5 प्लस में 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल टू 1, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ गया 11/20। और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितने फेवरेबल हैं अपॉन में टोटल, और कितने फेवर ग्रीन कितने 11 दे रखे थे, नीचे क्या आता है हमेशा टोटल। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि 11 तो हमें ग्रीन के, तो टोटल मार्क कितना होना चाहिए हमें 20
तो इस तरह के क्वेश्चन को इसे ऐसे करना था, तो 20 जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है जार के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस में ky इक्वल टू 15, कह रहा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लोगों को यहां पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन पे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को लेकर आपको सॉल्व करना था, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन 10 का जो सोल्यूशन है, देखो x प्लस 2 इक्वल टू 5 एक इक्वेशन थी, 3x प्लस में ky प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन थी, कह रहा पेयर ऑफ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन पे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2 बट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये दो कंडीशन ले लिया, b1 कितना हमारे पास 2 है और b2 कितना हमारे पास k है, c1 कितना है -5 है और c2 कितना है 15 है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू कितनी आई? -6। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को इसका k की वैल्यू जो निकालनी थी -6 निकालनी थी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल और एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18, मतलब दो एंगल हैं और सप्लीमेंट्री है। तो मान लेते दो एंगल x है और एक y है, सप्लीमेंट्री का मंगल मतलब होता है दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 180 डिग्री आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 थी, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो कह रहा है जो बड़ा वाला नंबर जो है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है और दोनों सप्लीमेंट्री है, तो एंगल्स की वैल्यू निकाल लेती। तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो देखिए, लेट हमने मान लिया, लार्जर एंगल को मैंने मान लिया x और स्मॉलर एंगल को मान लिया वाई, अगर दोनों सप्लीमेंट्री है मतलब दोनों को जोड़ने में कितना आएगा? 180, इक्वेशन नंबर हो गया 1। एंड ऑल्सो कह रहा था बड़ा वाला क्या है? x है, वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो y प्लस में 18, तो x के लिए y प्लस में 18 ये 1 में पुट कर देंगे, x की जगह क्या लिख दिया हमने? y प्लस में 18। ठीक है, और फिर वही है हमारे पास इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू हो गया 180 माइनस में 18 और 2y इक्वल टू 162 हो गया, और y के लिए कितनी आ गई? 81 आ गई। अगर y के लिए 81 आ गई तो हम पुट करेंगे, ठीक है, तो y के लिए 81 आ गई, तो x प्लस y इक्वल टू 180 था जिसमें से y के लिए 81 आ गई, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस में 81 जो कि निकल के आया 99 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 जो है चैप्टर 14 से पूछा गया था, कह रहा फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको डाटा दे रखा था, बस हमेशा सिंपल सा इसका मोड निकाला था, तो चेक कर लेते हैं फटाफट से किस तरह से मोड निकालना है इसका, कितना आंसर आता है। ठीक है, तो डाटा दे रखा था 25-30 ही हमारे पास डाटा दे रखा है। ठीक है, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस में एफ वन माइनस में एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो ये चेक करते हैं f1 एफ नॉट ये f2 क्या होता है। देखो, f1 मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है f में फ्रीक्वेंसी में, उसे f1 कहते हैं। तो कितनी है वो? 50 है, तो f1 कितना निकल गया है? 50 निकल गया है। f1 के जो ऊपर होता है उसे f0 बोलते हैं, तो f0 कितना हो गया? 34। f1 के नीचे जो होता है उसे f2 बोलते हैं, कितना आएगा? 42 निकल गया है। ठीक है, और जो L जो होता है हमारा, जो सबसे बड़ा F होता है, F कितना हमारे पास? हमारा 50 है, और 50 का जो L है कितना है? 35, लोअर लिमिट, इसे L बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास L भी निकल के आ गया, और H का मतलब होता है कितने का इंटरवल है, कितने का इंटरवल है यहाँ पर? 5 का इंटरवल, तो H की वैल्यू कितना आ गई? 5 आ गई। ठीक है, तो अगर हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो अगर मैं सारी वैल्यू पुट करूँगा इसमें, तो 35 50 माइनस 34 ये हो जाएगा इंटू 5, 35 प्लस में कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 115 अपॉन 3, तो मोड निकल जाएगा 108.3। ठीक है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करना था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं सेक्शन सी, जिसको 3-3 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी, कह रहा है प्रूव दैट 2 प्लस में 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है 2 प्लस 5 रूट 3 को जो है हमें इरेशनल प्रूव करना है, और ये दे रखा है कि रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरह से करना था हम लोगों को। तो पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 2 प्लस 5 रूट 3 इज रेशनल। तो हम क्या करें, इसे विपरीत जाके हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान के चलते हैं कि एक रेशनल नंबर है, 2 प्लस 5 रूट 3 क्या है? रेशनल है, क्योंकि जो नंबर रेशनल होता है वो रेशनल हो गया, और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो गया। तो मान के चलते पहले ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो 2 प्लस 5 रूट 3 को a अपॉन b के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और a और b क्या है? a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि a और b जो है उसके के कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, दोनों के अलग अलग है। ठीक है, तो
फाइव रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन बी था ये टू, यहाँ के माइनस का टू हो गया, तो फाइव रूट थ्री इक्वल टू ए माइनस का टू बी अपॉन बी, और रूट थ्री हो गया ए माइनस का टू बी अपॉन फाइव बी। तो रूट थ्री को लिखा है यहाँ पर ए माइनस टू बी अपॉन में फाइव बी। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ये तो एक रेशनल नंबर की होती है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट ए माइनस टू बी अपॉन फाइव बी इज रेशनल, ये तो एक्सप्रेशन रेशनल नंबर की होती है। लेकिन तो सो रूट थ्री हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है, लेकिन बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ रूट थ्री इज इरेशनल। लेकिन हमें तो ऊपर बोला गया था कि रूट थ्री जो है रेशनल नंबर है, और जब हमने निकाला एक्सप्रेशन तो ये तो रेशनल नंबर की तरह आ रहा है। सो आवर कंट्राडिक्ट, ये रूट थ्री जो है इरेशनल नंबर ही होगा। तो वी कैलकुलेट दैट फाइव माइनस रूट थ्री, सॉरी फाइव माइनस रूट थ्री नहीं, टू प्लस में फाइव रूट थ्री जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से वो करना था। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 दे रखा है, कहता है डायगनल ऑफ अ ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। डायगनल है पी क्यू आर एस, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, उसके डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हो पॉइंट में, और अगर दोनों पैरेलल है पी क्यू और आर एस, और पी क्यू कह रहा है थ्री आर एस दे रखा है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। ये जो क्वेश्चन है ये सिक्स चैप्टर का है और फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक थ्योरम आपको याद होगा, जो अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उससे क्वेश्चन होना था, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना था और इसका आंसर कितना आना था। तो पी क्यू आर एस जो है ट्रेपेजियम हो गया वेयर, और पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, और डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इस वाले ट्राइंगल पे और इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, तो क्यू पी ओ, देखिए क्यू पी ओ ये वाला जो एंगल है क्यू पी ओ वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ऐसी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो बाय कह सकते हैं बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल के आपस में सिमिलर है, कैसे हैं आपस में सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर होते हैं इसका मतलब उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ पी ओ क्यू अपॉन पे एरिया ऑफ एस ओ आर क्या होगा, पी क्यू अपॉन पे एस आर का होल स्क्वायर होगा। और हमें दे रखा था पी क्यू जो है थ्री आर एस है, ठीक है, तो आर एस आर एस खत्म, थ्री अपॉन वन का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया पी ओ क्यू अपॉन पे एरिया ऑफ एस ओ आर इक्वल टू हो गया नाइन अपॉन पे वन। तो एरिया और रेशियो आ गए पी ओ क्यू रेशियो एस ओ आर हो गया नाइन रेशियो वन। तो इसका आंसर क्या आता है, नाइन रेशियो वन इसका आंसर आता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का है, ठीक है। कह रहा है इन फिगर 3 पी क्यू एंड आर एस टू पैरेलल टेंजेंट। तो पी क्यू जो है एंड आर एस जो है वो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, वे सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पर है, इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट ए एंड इतना, प्रूव दैट ए ओ बी, ये जो एंगल जो है इसे प्रूव करना था हमें 90 डिग्री का, ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना था हम लोगों को। तो ये डायग्राम देख सकते हैं इस डायग्राम में, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ये। तो ये जो है ए पॉइंट से अगर देखें तो दो टेंजेंट है ए डी और ए सी, और टेंजेंट भी एंगल 90 डिग्री का होता है हम लोगों को पता है, और बाहर ये पॉइंट एक्सल पॉइंट होगा, फिर से टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री एंगल होंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी ओ, ए डी ओ इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में देखिए ए डी ओ इक्वल टू ए सी ओ, ए डी ओ एंड ए सी ओ क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री के हो गए ईच 90, एंड ओ डी क्या रेडियस है और ओ सी भी क्या रेडियस है, तो ओ डी इक्वल टू ओ सी रेडियस, और ओ ए जो है दोनों में कॉमन है। तो कह सकते हैं बाय एस ए एस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए डी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बाय साइड एंगल से दो ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्राइंगल पे वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल पे इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा। और सिमिलरली नीचे वाले दो को ले लेंगे बी ओ ई एंड बी ओ सी को, तो ये दोनों, ये भी दोनों बी ओ ई एंड बी ओ सी, बी ओ ई एंड बी ओ सी भी इस तरह से प्रूफ हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, तो सीपीसीटी प्रूफ हो गया। और डी ओ ई क्या है, पूरा लाइन क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये चारों एंगल को ऐड करने में कितना एक्स ओ सी आएगा, ए ओ सी प्लस ये डी ओ ई, जहाँ पर है वहाँ ए ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने फ्रॉम फर्स्ट से, और जहाँ बी ओ सी है या बी ओ ई है वहाँ पर बी ओ सी लिख सकते हैं, तो बी ओ सी प्लस बी ओ सी हो गया 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 90, और ए ओ बी कितना निकल गया 90 डिग्री निकल गया है, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को करो आप देख रहे हो सोल्यूशन में, तो उसका डायग्राम अलग से बना लेना, क्योंकि बार बार पन्ना पलट नहीं रहा मैं, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप समझो इस क्वेश्चन को, ये डी ओ ई क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सब एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा 180 डिग्री, ये रहा डी ओ ई क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन पे इन सबको जोड़ने पर कितना निकल के आएगा 180 डिग्री निकल के आएगा। तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो सबको जोड़ने 180, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसके बराबर,
ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री निकल गया, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 देखते हैं, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग माइनस 2 माइनस 5 एंड 6.3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, मतलब कह नहीं सकते आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन है चैप्टर नंबर 7 का, थोड़ा टफ आ जाता है क्योंकि बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, आपको किस तरह से करना था, इसको अटेंड कैसे करना था क्वेश्चन नंबर 16 को। चलिए पहले डायग्राम समझते हैं कि पॉइंट दे रखा माइनस टू कॉमा माइनस फाइव सिक्स कॉमा थ्री, कह रहा है ये दो पॉइंट से एक लाइन ज्वाइनिंग हो गई, इसे एक लाइन आके डिवाइड करता है जो कि इक्वेशन है एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अगर ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा जो कि के रेशियो हमने मान लिया, ठीक है, और फिलहाल ये एम वन होता है, ये एम टू होता है। एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू होता है एक्स वन इक्वल टू होता है एम टू एक्स वन प्लस में एम वन एक्स टू अपॉन पे एम वन प्लस में एम टू, जो कि निकल गया है सिक्स के माइनस टू अपॉन पे के प्लस में वन। हमने से कोऑर्डिनेट्स मान लिया एक्स वन कॉमा वाई वन, तो एक्स वन कितना निकल गया है सिक्स के माइनस टू अपॉन पे के प्लस में वन। ऐसे ही वाई वन कितना निकल गया है, वाई वन निकल के आएगा वही सेम थ्री के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन निकल गया है वाई वन, ठीक है। और हमने बोला गया था ये जो पॉइंट जो है वो एक्स माइनस थ्री वाई पे लाई कर रहा है, ठीक है, अगर ध्यान रखना अगर किसी पॉइंट पे अगर ये लाई करता है ना तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू एक्स वन और वाई वन जो है इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास सिक्स के माइनस टू अपॉन में के प्लस वन, और थ्री इंटू इसकी वैल्यू कितनी है इतनी है, दोनों को सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ से के वैल्यू निकल के आती है थर्टीन अपॉन में थ्री, के वैल्यू जो निकल के आई थर्टीन अपॉन थ्री, तो के क्या होता है एम वन अपॉन एम टू होता है, तो के वैल्यू एम वन कितना हो गया थर्टीन और एम टू कितना हो गया थ्री हो गया, ठीक है। तो नाउ एक्स, अब हम जो है एक्स कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स जो हमें एम वन और एम टू हमें पता चल चुके हैं, तो हम डायग्राम भी देख सकते हैं अब, ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं एक मिनट, ये डायग्राम। तो अब हमारा के रेशियो वन क्या हो गया थर्टीन रेशियो थ्री हो गया, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है क्या हो गया एम टू एक्स वन क्या होता है एम टू कितना है थ्री और एक्स वन कितना है माइनस टू करके जो फॉर्मूला निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी नाइन अपॉन बाई टू, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, और वाई की वैल्यू जो है सिमिलरली ऐसे निकल के आएगी थ्री अपॉन बाई टू वाई की वैल्यू निकल के आएगी, तो नाइन अपॉन बाई टू थ्री अपॉन टू जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थोड़ा अजीब था क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस था ये, ठीक है, तो इसके आंसर लिख के आप खुद समझने की कोशिश करना, लेकिन बहुत ईजी है। तो हमें क्या करना था, पहले पॉइंट निकाल के इसी में सेटिस्फाइड करा दिया, तो वहां से बड़े पैसे एक्स और वाई के लिए निकल गए, तो पहले हमें रेशियो निकालना था एम वन और एम टू, उसके बाद यहाँ पर एक्स और वाई निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन है, थ्री साइन 43 डिग्री अपॉन कॉस 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस में दिस अपॉन दिस, इसका हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, तो जल्दी से आप देख लो क्वेश्चन क्या है और इसकी वैल्यू निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ठीक है, तो जल्दी से सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना है। तो थ्री साइन 43 अपॉन पे कॉस 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस में ये डिग्री हमें वैल्यू दे रखी थी। देखो साइन 43 कैसे आया, जब लिखा हुआ साइन 90 माइनस है 47, 43 कैसे आया साइन 90 माइनस है 47, कॉस को ऐसे रहने दो, ठीक है, इसमें से भी कॉस 37 कैसे आया, कॉस 90 माइनस है 53 आया होगा तब आया होगा, और कॉस एक 53, ठीक है, अपॉन पे टेन फाइव कैसे आया होगा, टेन 90 माइनस में 85 लिखा होगा, टेन 25 कैसे आया, टेन 90 माइनस 65, टेन 45 की वाली वन होती है, इन दोनों को हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 47 अपन कॉस 47 कट गया स्क्वायर आ गया माइनस में, कॉस 90 माइनस 53 होता है साइन 53, और कॉस एक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 53, इससे भी ये कैंसिल हो गया, टेन 90 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 1, और ये हो गया टेन 65 और टेन 85, ठीक है। तो 9 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया माइनस में 1 अपॉन पे, तो कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1085, 1 अपॉन में 1065, इन दोनों को ऐसे लेन दिया, 1065 से 1065 खत्म, 1085 से 1085 खत्म, तो 9 माइनस 1 कितना आ गया इक्वल टू 8। तो देखने में डेंजर था लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 8 आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ये फिगर दे रखा हमें जिसमें पी बी क्यू ओ क्या है, एक क्वाड्रेंट था, इसके अंदर एक स्क्वायर है और बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिवीजन। तो अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड डिवीजन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे को ये दे रखा 15, ये तो 15 दे रखा है, तो स्क्वायर का साइड तो पता है मेरे को, लेकिन मेरे को इसका क्वाड्रेंट के लिए मेरे को आर की जरूरत होती है, आर नहीं पता, लेकिन ये 15 है और ये भी कितना 15, क्योंकि क्या है ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये 90 एंगल होता है, ये 15 और ये 15, ये क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, तो ये निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, तो बड़े पैसे निकल जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन करना था आप लोगों को।
तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, ये डायग्राम है ठीक है। एरिया ऑफ शेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी ठीक है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर हो गया। तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ओ बी कितना निकल गया, 15 √2 जो कि क्या रेडियस हो गया सेक्टर का ठीक है। तो नाउ शेड रीजन फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 3/360 π² माइनस में और रेडियस ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि साइड स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर देगा ठीक है। तो थीटा के लिए 90 है, 91/360 मल्टीप्लाई 3.40 π लेना था इनटू आर स्क्वायर, 15√3 -220 ठीक है। तो ये वो कैसे करने पड़ेगा, 353.25 -225 cm², तो एरिया निकल के आया 128.25 cm² ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन इजी था, ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन 19 दे रखा है कि अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक सॉलिड जो है सिलेंडर के फॉर्म पे है विथ हेमिस्फेरिकल एंड, ऊपर नीचे क्या है हेमिस्फेरिकल एंड है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड जो है 20 cm दे रखा है एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर दे रखा है 7 cm, कह रहा है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है और पाई के लिए कितनी है 20/7 ठीक है। मतलब एक सिलेंडर है ठीक है, सिलेंडर के ऊपर भी क्या है हेमिस्फेयर है और नीचे भी क्या है हेमिस्फेयर है, तो इन पूरे का वॉल्यूम निकालना है ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19। तो देख सकते हैं ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है, सिलेंडर के नीचे भी क्या हेमिस्फीयर है और हमें बोला गया था डायमीटर कितना हेमिस्फीयर का 7। अगर डायमीटर 7 होता रेडियस, ये वाला रेडियस कितना हो गया 3.5, रेडियस और हाइट जो होती है सेम होती, तो ये कितना होगा 3.5, ये भी कितना होगा 3.5, टोटल दे रखा था 20, 20 में से 3.5 प्लस 3.5 जो कि 7 होता है माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 13। टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों का आ जाएगा प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 π r³ प्लस में वॉल्यूम सिलेंडर था π r² ठीक है। तो यूगर टू 4/5 π r³, π r² कॉमन किया, 4/3 r प्लस में h आ गया ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 22/7 r² मतलब 3.5 × 3.5 और 4/3 r 3.5 और थेरा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 38.5 आया, 14 + 39 अपॉन पे तो आंसर निकल के आया 680.70 cm³, ये अप्रॉक्स में इसका आंसर आ गया ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये कि सिलेंडर के ऊपर दो है दोनों हेमिस्फीयर है तो टोटल वॉल्यूम जो होगा ट्वाइस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 100 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, 30, 35 और ये दे रखे हमारे पास डाटा दे रखा है, कह रहा है मीन निकालना है इस चीज़ का, इस डाटा का हमें क्या निकालना है मीन निकालना है ठीक है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ठीक है। तो इसकी यूज करके हम इसका मीन निकाल सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसका मीन कितना आएगा ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पहले एक्स निकाल लेते हैं क्लास मार्क, एक्स कैसे निकालते हैं, इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन बाई 2 निकलता है एक्स, तो 32.5 ऐसे इसको प्लस करके अपॉन 2 करेंगे इतना आएगा, इसका इतना 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 आ गया ठीक है। फिर निकालते हैं एफ आई एक्स आई, 14 × 32.5 इतना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करें इतना आएगा, इस सबको टोटल करेंगे एफ आई एक्स आई का टोटल होगा 4930 और एफ का टोटल कितना हो गया 100। मीन जो होता है वो होता है एक्स आई एफ आई अपॉन पे समेशन ऑफ ठीक है। तो एफ आई समेशन मतलब एफ आई एक्स आई मतलब होता है कि एफ आई एक्स आई का टोटल कितना है 4930 अपॉन पे एफ आई कितना है, एफ आई का टोटल कितना है 100 अपॉन 100 करा तो मीन निकल गया 49.3 ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं, तो उम्मीद है कि आपने भी ऐसा ही किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 20 में देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि अगर 3x एफ एक्स दे रखा है 3x4 − 9x³ प्लस में x² प्लस में 15x प्लस के, कह रहा है इफ 3x² − 5 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है इसे, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब जो है कि रिमाइंडर जो आ रहा है डिवाइड करने में कितना आएगा 0 आएगा, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k ठीक है। तो देखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसको कैसे कर सकते थे आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो 3x² − 5 आ गया हमारे पास, फंक्शन दे रखा था हमें ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए ठीक है। तो 3x² 3x4 कब आएगा, जब x² से करेंगे तो 3x4 आ जाएगा, फिर x² को −5 से करेंगे −5x² आएगा, इससे खत्म हो गया माइनस प्लस, ये प्लस प्लस हो गया तो 6 इसको ऐसे उतार देंगे, फिर 6x² + 15x + k,
फिर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री से एक्स करेंगे तो माइनस नाइन एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर उसको से करेंगे प्लस का 15, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए सॉल्व करने पर, अब ध्यान से स्टेप देखिए, फिर उसके बाद आया सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो कि सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाए, तो टू से होगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर को टू से करके सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया, फिर टू को माइनस फाइव से करेंगे तो माइनस का टेन आ गया, ठीक है। अब आंसर ये तो कट गया, जीरो हो गया, हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए था। और ये कब कटेगा, हमारे पास प्लस का टेन है, ये क्या होना चाहिए था जो कट जाएगा, हमारे पास होना चाहिए था माइनस का टेन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये के प्लस में टेन, ये रिमाइंडर आया के प्लस में टेन, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना कितना आना चाहिए था, हमारा रिमाइंडर होना चाहिए था हमारा जीरो। इसका मतलब के प्लस में वन की वैल्यू कितनी हो गई, के प्लस वन टेन की वैल्यू होगी जीरो, और यहां से के की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का टेन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था हम लोगों को कि रिमाइंडर कितना बचा, के प्लस टेन, और ये बोल रहा है जबकि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आना चाहिए। तो के प्लस में टेन इक्वल टू जीरो हो गया, के की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का टेन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 22 कह रहा है, राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सिक्स सिक्सटीन इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट। कैसा रूट है, इक्वल रूट। इक्वल रूट कब होता है, जब डी के क्या होते हैं, जीरो के बराबर होती है। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो हमें पहले पी की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, और पी की वैल्यू निकालने के बाद हमें इसके रूट्स भी निकालने हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको अटेंड करना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो गया। इट हैज इक्वल रूट्स, मतलब डी के लिए जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है वो कितनी निकल के आएगी, इक्वल टू में जीरो निकल के आएगी, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर माइनस में फोर इंटू ए कितना है, वन है, सी कितना है, सिक्सटीन है। तो पी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर इक्वल टू जीरो, और पी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर प्लस का सिक्सटी फोर, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस में एट, ठीक है। तो एक बार पी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एट ले लेते हैं। अगर पी की वैल्यू एट है तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सिक्सटीन था, तो पी की जगह कितना ले लिया हमने, एट। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एट है, एक्स प्लस में सिक्सटीन हो गया, ठीक है। और जब इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो गया फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन, ठीक है। तो एक्स एक्स प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फोर इक्वल टू, ठीक है। तो एक्स एक्स प्लस फोर प्लस एक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक बार ये वाला एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एक बार यहाँ से, तो एक्स के लिए माइनस फोर और माइनस फोर निकल के आए, जो कि इक्वल सही है। अब पी को लेते हैं एक बार माइनस एट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स था, तो एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स माइनस फोर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर सब करेंगे, एक बार ये वाला एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक बार ये दोनों से क्या वैल्यू निकलेगी, फोर और फोर, ठीक है। तो माइनस फोर एंड फोर फोर जो है वो रूट्स थे, ये तो माइनस फोर होंगे दोनों, या फिर प्लस के फोर होंगे, और पी के लिए कितने निकल गए, एक बार प्लस की एक बार माइनस की आठ। तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन करना था, उम्मीद है आपने भी ऐसा ही किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो है सिक्स चैप्टर का थ्योरम, पहला ही थ्योरम है ये, ठीक है। तो बुक का ये एनसीईआरटी का ही है, तो आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कैसे इसको करना था आप लोगों को। तो क्वेश्चन 23 का डायग्राम देख लेते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और डी पॉइंट से मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। डी पॉइंट से लाइन खींच रहा हूँ डी ई, जो कि क्या है, पैरेलल है, ऐसी खींचे जो कि पैरेलल है बी सी के। तो अगर हम कोई ऐसी लाइन खींचे जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन पे ए सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ले लेंगे, डायग्राम आप बना लेना पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसी एरिया ऑफ, तो ये हो गया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। सिमिलरली बी डी ई का हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू पर ई एन। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू ये निकला, एरिया ऑफ बी डी डी ई सी ये निकला, दोनों का रेशियो चेक कर लेते हैं, वो आया हाफ ए डी ई एन हाफ बी डी ई एन, ठीक है। तो ई एन ई एन से खत्म हो गया, तो हाफ से हाफ खत्म हो गया, ए डी अपॉन पे बी डी निकल, ठीक है। एरिया ऑफ बी डी निकल गया। इसी तरह से एरिया ऑफ ए डी ई सी अपॉन पे एरिया ऑफ ए सी जो होगा, एक और होगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, हाफ इंटू ए सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम खत्म हो गया, तो हाफ से हाफ खत्म, ए ई अपॉन पे ए सी आ गया। तो हमने पढ़ा है कि ए बी डी ई एंड डी ई सी, अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो और सेम पैरल लाइन्स के अंदर हो, दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी जो है ए ई अपॉन पे ए सी के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, और ये एनसीईआरटी में भी है, आप वहां से देख सकते हो इसको, इसका सोल्यूशन ही तो थ्योरम ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, या नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 20 नंबर 25 है. अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 एंड बेस डायमीटर 24 व्हिच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस, मतलब एक सिलेंडर का बड़े दूसरा सिलेंडर है. कह रहा है अगर एक सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है तो टोटल हमें उसका मास बताना कितना होगा. ठीक है, तो पहले हमें एक सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है मास, तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पूरे का. तो पूरे जो भी हमारे पर डायग्राम दे रखा है उसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के बाद फिर हम इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना ग्राम है उसे मल्टीप्लाई करके इजिली आंसर निकाल सकते हैं. तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन कैसे करना था. तो एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर था, इस तरह से डायग्राम था इसका. इसका डायमीटर 16 है, इसका इसका हाइट है 60, इसकी हाइट 220 दे रखी थी और इसका डायमीटर 24 दे रखा था. तो मान लेते हैं C1 और C2 है. ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम अगर निकालेंगे कि कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ फिगर होगा वॉल्यूम ऑफ, इसे मान लेते हैं C1, तो वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2 और दोनों के एक छोटा पाई आर स्क्वायर है और एक बड़ा पाई आर स्क्वायर है. ठीक है, तो बड़े आर कितना है तो पाई कॉमन कर लेंगे, तो आर स्क्वायर एच बड़ा छोटा आर कितना है 8 हो गया, इंटू एड कितने 60 हो गई, बड़ा आर 12 हो गया, ये हो गया. ठीक है, तो पाइकल 3.14 लेनी थी. तो सॉल्व करने पर जो वॉल्यूम निकल के आया वो आया 1,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया. ठीक है, हमें बोला गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम है, 8 ग्राम वेट है. तो मास इक्वल टू इतना सारा क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आया 8,9,2,2,6,2.4 ग्राम. ठीक है, ये ग्राम में निकला, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 8,9,2.26 किलोग्राम पे इसका आंसर आ गया. तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट इसमें वॉल्यूम निकाला था. ठीक है, और चैप्टर नंबर जो है ये 13 का क्वेश्चन था. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. चलिए क्वेश्चन 26 जो है वो कंस्ट्रक्शन सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है. कह रहा है कंस्ट्रक्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था और देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज बेस आर 2/3 टाइम्स द करस्पोंडिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल. तो पहले हमें ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर होंगी, फिर हमें एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं जो है 2/3 हो पहले वाले ट्रायंगल के. तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाना था, सिंपल सा वैसे क्वेश्चन. तो ABC जो है, AB जो है हमने बनाया 5 सेंटीमीटर का, फिर A से रख के एक आर्क मारा या चाप मारा 5 सेंटीमीटर का, B से रख के मारा 5 सेंटीमीटर का, तो ABC बन गया गिवन ट्रायंगल, दिए हुआ ट्रायंगल त्रिभुज बन गया जो कि 5 सेंटीमीटर का इक्वल ट्रायंगल है. उसके बाद हमें जो रेशियो दे रखा था वो रेशियो था 2/3. 2/3 का रेशियो मतलब होता है कि ये जो है गिवन ट्रायंगल के अंदर बनेगा जो हमारा फाइनल ट्रायंगल जो है. ठीक है, तो बड़ा कितना 3, तो एक एक्यूट एंगल बनाया और 3 हमने क्या हमारे यहाँ पर चाप मारे और लास्ट वाले को जोड़ दिया. ठीक है, फिर 2 से इसके पहले लाइन खींची हमने यहाँ पर, फिर इंटरसेक्ट किया B' में, फिर B' से हमने इसके पहले लाइन खींची C' में, तो ये बड़े बन गए. तो ये तो सारे हर बच्चों को आता है, तो आपने इसको बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से कर दिया होगा. तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 कह रहा है, ये हमें डाटा दे रखा था, इंटरवल दे रखा है 30, 40, 40, 50, 10, 10 क्लास मार्क का इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हमें और कहता है इसमें लेस देन टाइप हमें ओजाइव बनाना था, लेस देन टाइप का हमें ओजाइव ड्रॉ करना था. ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं लेस देन टाइप का इसमें ओजाइव कैसे करना था आप लोगों को. तो ये डाटा दे रखा क्लास इंटरवल 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, ये हमारे पास क्लास इंटरवल हो गया. फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, जब भी हम लेस देन टाइप ओजी बनाते हैं तो हमें CF निकालना होता है. तो CF कैसे निकालते हैं, 7 का 7 हो गया, 5 + 7 = 12, 8 + 12 = 20, 10 + 20 = 30, 6 + 30 = 36 और 6 + 36 + 6 = 42, 42 + 8 कितना हो गया 50 हो गया. ठीक है, और 50 देखो जब मैं इंटरवल को पढ़ूंगा अगर मेरे को बोलना है ज़्यादा तो मैं बोलूँगा 30 से ज़्यादा, मतलब मोर देन में बोलेंगे तो मोर देन 30, और लेकिन अगर मैं लेस देन की बात करूँगा तो क्या बोलूँगा, लेस देन 60. लेकिन मेरे को लेस देन टाइप बनाना है तो मैं इसे लिखूंगा लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 और लेस देन 100. ठीक है, जब भी ग्राफ बनता है तो CF इनके बीच में बनता है, CF और इसके बीच में ग्राफ बनाता है. CF जो है वो y एक्सिस में आएगा और लेस देन टाइप जो है x एक्सिस में आएगा. तो देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बनना है. तो ये रहा जो x एक्सिस जो है हमारे पास, वहाँ पर लेस देन 40, लेस देन 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ऊपर जो CF आया 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, तो हमने 40 में 7 था तो 40 में अंदाज 7, फिर ऐसे 50 में 12, 60 में 20, 70 में 30, 80 में 36, 90, 42, 100 में 50 करके हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और लेस देन टाइम हमेशा जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जाना था. तो इस तरह से आपको एग्जाम पे बनाना था इसे, और उम्मीद है आपने भी ऐसा ही बनाया होगा. नेक्स्ट सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन 28 जो है ये NCERT का ही है. टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा. NCERT क्वेश्चन है ये. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पेपर में आ गया ये. तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से आप लोगों को करना था कि आपके बिल्कुल मार्क्स ना कटे इस क्वेश्चन में.
तो टेन थीटा अपॉन पे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा को प्रूफ करना था, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो एक मैं हमेशा अपने मतलब जो जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं हमेशा बताता आया हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है ना हमेशा उसे साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, हमेशा साइन और कॉस में तोड़ना। अगर साइन और कॉस में ऑलरेडी दे रखा है तो फिर उसे सॉल्व करना है सीधा एलसीएम एलसीएम लेके, वरना हमेशा उसे साइन और कॉस में तोड़ना चाहिए। तो वैसे ही तोड़ना था इसे, टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखा कॉस अपन साइन, ऐसे कॉट को कॉस अपन साइन और टेन को साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस्टा, ये हो गया साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा माइनस पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऐसे ही ये होगा सेम, और कॉस थीटा इंटू वन कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, ठीक है। फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन है प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बाहर आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रह गया। अब यहाँ मैंने माइनस माइनस कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करने से जो माइनस साइन थीटा था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, ऐसा इसलिए कि ताकि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, और मैं से कॉमन ले सकूँ, ठीक है। तो मैंने ये अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ कितना आएगा, साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा, ये तो कॉमन है ही, ये सेम आ गया। अब इसके पास साइन थीटा कॉस थीटा तो है, कॉस थीटा भी है, क्या नहीं था साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आ गया, और ऐसे ही इसमें कितना आ गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन पे ए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्म लगाएंगे, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन पे कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो क्या रह गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये प्लस में आ गया अपॉन पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अलग अलग कर देंगे, वन अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कट गया कितना हो गया वन हो गया। तो वन अपॉन में कॉस क्या होता है, कॉस सेक होता है, वन अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस सेक होता है, प्लस वन जो है प्लस वन की तरह ही है, तो हैंस प्रूफ हो गया वन प्लस में साइन थीटा सेक थीटा और कॉस थीटा। तो बुक का एक क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट था भी, बहुत बच्चों ने याद भी किया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 है, विच टर्म ऑफ द एपी -7 -12, ये एपी दे रखी है हमें, कह रहा कौन सा टर्म जो है इसका 82 होगा, कौन सा टर्म जो है इसका 82 होगा, और आगे पूछ रहा है क्या -100 जो है वो इस एपी में आगे जाकर कहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और हमें रीजन देना, ठीक है। दोबारा सुन लो क्वेश्चन, ये एपी दे रखी थी हम लोग को, और पूछ रहा है कि -82 कौन सा टर्म होगा, मतलब ये क्या ए एन दे रखा हमें, और ये ए दे रखा डी निकाल लेंगे हम लोग, और ये होने के बाद कह रहा है क्या -100 जो है इसका एपी का टर्म पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अगर इसके लिए एग्जैक्ट एन की वैल्यू आती है तो पड़ेगा, नहीं आती तो नहीं पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं ये आप मान लो 21st टर्म है तो ठीक है, 22nd टर्म है तो ठीक है, मान लो अगर रेशियो में आ रहा है एन अपॉन टू और 30/3 या 30/17 आ गया या 20/3 आ गया जो कि कटेगा नहीं, तो फिर ये लाइन नहीं करता, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से करना था इस क्वेश्चन को। तो एपी दे रखी थी हमको -7 -12 -17 -22 -82, एन हो गया -82, ए हो गया -7, डी हो गया -12 माइनस माइनस +7, ये आ गया -5। एन होता है ए प्लस में एन माइनस वन टू डी, सारी वैल्यू पुट करी हमने, ठीक है। तो यहाँ से एन निकल के आया हमारा 16, तो जो -82 जो था वो 16 टर्म है हमारा, ठीक है। फिर आगे एक और चीज ने पूछी थी कि 100 -100 जो है वो उसका टर्म पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ए एन -100 हो गया, सेम वही चीज़ ए है ये है। तो यहाँ से हमने देखा जो एन माइनस वन इक्वल टू आया 93/5, जो कि एग्जैक्ट कट नहीं रहा, कट नहीं रहा, इट मीन्स -100 जो है के लिए कोई एग्जैक्ट एन की वैल्यू नहीं आएगी, कोई इंटीजर नहीं निकल के आएगा, सॉरी इंटीजर नहीं, कोई नेचुरल नंबर निकल के नहीं आया एन के लिए, या 4, 5, 6 जो कहते हैं ये पॉइंट में आएगा, तो नो, तो ये 98 जो है एग्जैक्ट डिविजन नहीं हुआ 5 से, तो हम कह सकते हैं कि एन -100 जो है यहाँ पर कहीं एपी में कहीं भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इन ए क्लास टेट द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर उसके मार्क्स कितने, 30 मार्क्स है। अगर उसे 2 मार्क्स ज्यादा मिल जाए हिंदी में और 3 मार्क्स कम मिल जाए इंग्लिश में, तो जो नंबर निकलेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर 210 था, तो मार्क्स निकाले थे सब्जेक्ट में, ये मेरे ख्याल से ऐसा ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स और इंग्लिश करके और ये दे रखा है, और जो है एक्सरसाइज 4 पॉइंट चैप्टर 4 में आइए, ठीक है। जो जल्दी से देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कैसे, इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करना था। चलिए तो मान लेते हैं हम इंग्लिश में मार्क्स आए थे एक्स, अगर इंग्लिश और हिंदी में मिला के उसके टोटल कितने हैं 30 है, तो अगर इंग्लिश में एक्स मान ले तो हिंदी में क्या हो जाएगा 30 माइनस में एक्स हो जाएगा,
दो मार्क्स उसे ज्यादा मिलते हैं हिंदी में, तो 30 - x + 2 ज्यादा मिल रहे हैं, तो 30 + 2 32 - x हो गया, 3 less मिलते हैं इंग्लिश में, तो x इंग्लिश का x बना था तो x + 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 210 आ रहा था, तो इसे एक्सपेंड करेंगे तो एक क्वेश्चन बन गया x² - 35x + 306 = 0। तो इसको सोल्व करेंगे -18 - 17x = इतना मिडिल टर्म स्पीड से सोल्व किया, तो x - 17 x - 17 18 = 0, तो x के लिए 17 आई और x के लिए 18 आई, मतलब x क्या माना था हमने इंग्लिश में, तो इंग्लिश के मार्क्स 17 भी हो सकते हैं और 18 भी। अगर इंग्लिश के मार्क्स 17 है तो हिंदी में कितने आएंगे 13, और अगर इंग्लिश के मार्क्स 18 है तो हिंदी के मार्क्स कितने निकल गएंगे तो 12। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो आपने देखा होगा 1 to 30 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आप चेक कर सकते हो कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड किया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी क्योंकि जो पेपर मैंने अपलोड किया था वो जिस रीजन पे मैं रहता हूँ वहां का वो 31-1 सेट था कोड, लेकिन जो आप डिमांड कर रहे थे 30 सेट 2-1 था, और बहुत जगह 30 सेट 4-1 भी है, 3-1 भी है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गई थी अगर, लेकिन काफी अच्छा लगा कि काफी बच्चों ने कमेंट करके काफी इंटरेक्शन दिखाया ज्ञान खेड़ा के साथ, और इसी तरह से आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, और जो मैंने वीडियो पे इससे पहले अपलोड की थी ना, और उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, जैसे संजीव ने किया कमेंट किया था, आयुष राज ने कमेंट किया था, पुण्य गोयल ने किया था, अंकित राणा ने भी किया था, संजीव रामपाल, अजिंक्य पाठक ने किया था, लक्ष्य, काफी बच्चों ने कमेंट किया था। हाँ, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है उसमें लास्ट में कुछ कुछ जगह पर मिस्टेक हो गई है, मैं बता देता हूँ वो मिस्टेक क्या थी। तो ये लास्ट जो क्वेश्चन था ये संजीव रामपाल ने बिल्कुल सही कहा बेटा आपने कि 20 - 14 जो था मैंने मिस्टेक से यहाँ पर 7 लिख दिया था, लेकिन आना चाहिए था 6, तो 6 ये मिस्टेक हो गई थी, तो 6 लेकर आपको करेक्शन कर लेता तो उसको मिला के F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने जल्दी बाद में 20 - 14 को यहाँ पर 7 लिख दिया था, जो कि बिल्कुल, थैंक यू सो मच संजीव रामपाल, आपने वीडियो को पूरा देख के आपने सोल्यूशन को बिल्कुल ध्यान से देखा है, और तो आप तो ये करेक्शन हो पाया है, वरना काफ़ी बच्चे जो है वो केवल वीडियो को देखते हैं लेकिन ध्यान से नहीं देख रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो था क्वेश्चन में 16 में थोड़ा सा एरर हो गया था, ये y + 2 का होल स्क्वायर था जो कि खुलना था a² + 2ab, 2 × y + 2 जो था ये 4y आना था, जो कि मैंने गलती से 2y कर दिया था। तो थैंक यू सो मच हीरोय वाडिया और पुनिया गोयल और अजिंक्य पाठक, आप सबने बिल्कुल सही बताया है कि यहाँ पर 4y मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वाई के लिए जो है गलत निकल गई थी। ठीक है, और एक लास्ट मिस्टेक ये भी हुआ था कि n/2 जब मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पर 6 हो गया, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 नहीं बचना चाहिए था, यहाँ पर केवल n आना चाहिए था, और जो आंसर आना चाहिए था वो था n² + 6n। थैंक यू सो मच स्टूडेंट और अजिंक्य पाठक, थैंक यू सो मच कि आपने देखा, पुणे गोयल आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और ये चीज़ें जो थी बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन कभी कभार हो जाता है लास्ट में थोड़े एरर हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी जल्दी जल्दी में वीडियो अपलोड हमें करनी होती है। ठीक है, तो माफी चाहते हैं इस चीज़ के लिए, आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी एरर ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का इतना प्यार दिखाने के लिए आप लोग ऐसे ही कमेंट किया कीजिए, इसी पर चलता है कि हमारे वीडियो जो है बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर को, अभी भी ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनका क्वेश्चन पेपर जो है अलग हुआ, क्योंकि मेरे पे जो क्वेश्चन पेपर आया है अभी एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो ये मैं वीडियो अपलोड कर पाया हूँ, उस बच्चे का नाम मैं भूल गया, और थैंक यू सो मच बच्चे आपने सेंड किया जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड कर पाया। ठीक है, तो अगर आपका पेपर जो है अलग है तो आप कुछ अपने क्वेश्चन पेपर को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, और जो आप ये जो क्वेश्चन पेपर इसकी PDF भी व्हाट्सअप पे मिल जाए, व्हाट्सअप पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप नए हो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग ज्ञानी कीड़ा।